नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने में अब मात्र कुछ ही समय और शेष रह चुका है, लेकिन उससे पहले ही अचानक भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और इस महामुकाबले को जीतने के लिए रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे तीन धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी करा दी है, जिनको देखते ही इंग्लैंड की टीम में खौफ का माहौल सा बन चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताएगी भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट महामुकाबला कब से खेले जाने वाला है और भारत के किन 11 खिलाड़ियों के लिए इस महामुकाबले में खेलने का मौका मिला है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हां दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट महामुकाबले में एक जबरदस्त जीत दर्ज की है, उससे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अब काफी खुश नजर आ रहे हैं और रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट महामुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली जैसे धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री करा दी है, जिनका हमेशा से ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बल्ला चलता रहा है। तो वहीं इन दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट महामुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में सुबह 9:30 बजे से खेला जाने वाला है। इसके लिए इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टॉक्स ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और बेन स्टॉक्स ने भी अपनी टीम की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव कर दिए, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट महामुकाबला काफ़ी कड़ा और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यह दोनों ही टीमें 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक एक टेस्ट महामुकाबला जीत चुकी हैं, इसलिए तीसरा टेस्ट महामुकाबला दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि अब हम हर हाल में तीसरा टेस्ट महामुकाबला जीतेंगे, लेकिन टीम के दूसरे टेस्ट मैच में जीत के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट मैच में खेलने नहीं वाले हैं, जो टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। हालांकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर भी लगातार फॉर्म से जूझ रहे हैं, जो भारतीय टीम के लिए तीसरे टेस्ट मैच में एक परेशानी खड़ी कर सकती है, लेकिन सभी बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए तीसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इन 11 प्लेयरों के साथ उतरेंगे। जहां पर टीम के ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से टीम की ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के काफ़ी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। हालांकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से दोनों ही टेस्ट मैचों में अपनी बल्लेबाजी से निराश किया, उनसे अब उम्मीद है कि वह तीसरे टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन जरूरी करेंगे। तो वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी प्रभावित किया है, जहां पर उन्होंने दोनों ही टेस्ट महामुकाबले में शतकीय पारी खेली और भारतीय टीम के लिए दूसरे टेस्ट महामुकाबला जिताने में एक शानदार योगदान निभाया था। तो वहीं 3 नंबर के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से शुभमन गिल का खेलना तय माना जा रहा है, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह से दूसरे टेस्ट महामुकाबले की दूसरी पारी में जब भारतीय टीम की विकेट गिर रहे थे, वहां पर उन्होंने शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया के लिए शानदार जीत दिलाई थी। तो वहीं 4 नंबर के लिए एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के लिए इस महामुकाबले में मौका मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली अब अगले 2 टेस्ट मैचों से और बाहर हो चुके हैं, जो टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। तो वहीं श्रेयस अय्यर के पास यह अब सुनहरा अवसर होगा। तो वहीं 5 नंबर के लिए अब केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी होने जा रही, इसलिए अब रजत पाटीदार बाहर बैठते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि केएल राहुल ने इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं 6 नंबर के लिए इस महामुकाबले में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां पर युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भारतीय टीम में डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि केएस भरत को लगातार मौके दिए जा रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। तो वहीं 7 और 8 नंबर के लिए टीम इंडिया में दो ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। इन दोनों ने ही पहले टेस्ट मैच में काफ़ी घातक गेंदबाजी की थी। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम के पास रविचंद्र अश्विन जैसे धाकड़ स्पिनर गेंदबाज मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा से ही भारतीय टीम को जीत दिलाने में एक शानदार योगदान निभाया था। तो वहीं आखिरी 2 नंबर के लिए टीम में मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके, इसलिए अब मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार के पास यह सुनहरा मौका होगा कि वह जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में अच्छा प्रदर्शन करें और भारतीय टीम के लिए जीत दिलाएं। तो भाई यही 11 खिलाड़ी इस महामुकाबले में मैदान पर उतरने वाले हैं।